ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ऑन पैसिव का नया प्रोडक्ट ओ ट्रैकर को ऐड कर दिया गया है। अभी जब आप इकोसिस्टम में लॉगिन करेंगे तो इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में आपको ओ ट्रैकर का आइकॉन दिखाई नहीं देगा। ओ ट्रैकर का आइकॉन इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में लाने के लिए आपको ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करना होगा, और ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल एक्टिवेट करने के बाद ही ओ ट्रैकर का आइकॉन इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिखाई देगा। तो ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल किस तरह से एक्टिवेट करना है, यह जानने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है मंटन शर्मा। ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल एक्टिवेट करने के लिए और ओ ट्रैकर का आइकॉन इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में लाने के लिए हमें सबसे पहले इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में मार्केट प्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम मार्केट प्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने मार्केट प्लेस का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मार्केट प्लेस के डैशबोर्ड को आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे जाना है। नीचे में आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा, एक ऑप्शन ओ कनेक्ट का रहेगा और दूसरा ऑप्शन ओ ट्रैकर का रहेगा। ओ कनेक्ट के नीचे यहाँ पर ओ ट्रैकर का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। वहीं इस आइकॉन में यहाँ पर 7 डेज फ्री ट्रायल लिखा हुआ है। यदि आप ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको बस गेट इट नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिस तरह से हमने ओ कनेक्ट का 7 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट किया था। गेट इट नाउ वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ओ ट्रैकर का डिटेल दिखेगा। इस डिटेल को यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, इस डिटेल को आप लर्न मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। लर्न मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ओ ट्रैकर का सभी डिटेल दिखाई देने लगेगा, जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए। उसके बाद जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ओ ट्रैकर के फीचर के बारे में दिया गया है, यानी अभी फिलहाल ओ ट्रैकर में इतने सारे फीचर मौजूद हैं। जब आप ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करेंगे तब ओ ट्रैकर में आपको ये सभी फीचर दिखाई देगा। ओ ट्रैकर में यहाँ पर चूज योर प्राइजिंग वाले ऑप्शन में 100% ऑफ लिखा हुआ है, यानी ओ ट्रैकर को इस्तेमाल करना अभी पूरी तरह से फ्री है। आप ओ ट्रैकर को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है 0 क्रेडिट 1 मंथ, यानी बिना क्रेडिट खर्च किए आप ओ ट्रैकर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल एक्टिवेट करने के लिए आपको बस इस स्टार्ट योर 7 डेज फ्री ट्रायल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है क्या आप ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करना चाहते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है, और यदि स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल एक्टिवेट करने के लिए हमें स्टार्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है योर ट्रायल पीरियड स्टार्टेड सक्सेसफुल्ली फॉर ओ ट्रैकर। तो इस तरह से आप ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट कर सकते हैं। और ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर 7 डेज फ्री ट्रायल का डिटेल दिखाई देगा। जैसे जैसे 7 डेज का फ्री ट्रायल खत्म होते जाएगा, वैसे वैसे उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। और ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल एक्टिवेट होते ही यहाँ पर ओ ट्रैकर का आइकॉन दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल को आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं और ओ ट्रैकर का आइकॉन अपने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल एक्टिवेट करने के बाद भी ओ ट्रैकर का आइकॉन आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिखाई नहीं देता है तो बस आपको अपने ब्राउजर पेज को रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करते ही आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ओ ट्रैकर का आइकॉन दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल को आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं और ओ ट्रैकर का आइकॉन अपने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से अब आप समझ गए होंगे कि ओ ट्रैकर का 7 डेज फ्री ट्रायल को हमें किस तरह से एक्टिवेट करना है और ओ ट्रैकर का आइकॉन हमें अपने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में किस तरह से ऐड करना है। इसके बावजूद भी इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।